हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक एवरग्रीन बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि आप कैसे अपना कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है इंसान कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकता। बस ट्रेंड बदल सकता है, बट भैया कपड़े का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, अगर ट्रेंड भी चेंज होता है तो आप आउटडेटेड ट्रेंड के कपड़ों को भी सेल पे निकाल सकते हो, तो आपका यहां पर नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है दोस्तों, इंडियन मार्केट में कपड़े की बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन उस डिमांड के साथ साथ कपड़े की बहुत ज्यादा दुकानें भी हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां पर आपको कपड़े की दुकान तो बहुत इजीली मिल जाएगी। तो भैया, आप ऐसा क्या करोगे कि आप इस कॉम्पिटिशन को तोड़ के अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप बाकी सारे लोगों की तरह चलोगे ना, अगर आप भेड़ चाल की तरह चलोगे कि जैसे आपके मार्केट में कपड़े की दुकानें खुली हुई हैं आपने वैसे ही खोल ली और एज इट इज उनकी तरह काम करने लग गए, वो दुकानें जहां से स्टॉक लेती हैं आपने भी वहां से स्टॉक लिया और एज इट इज उनकी तरह लगा दिया, तो ये जो भेड़ चाल वाला काम है ना, इससे फिर आप अपने दिल को मना सकते हो कि आप एक कपड़े का बिजनेस कर रहे हो और आप बहुत सेटिस्फाई हो। लेकिन ऐसा है नहीं, आप कपड़े का बिजनेस नहीं करोगे, आप सिर्फ टाइम पास करोगे। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी गेम खेलनी है और आप अपने कपड़े के बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूं। और जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना कपड़े के बिजनेस की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस वीडियो में कपड़े के बिजनेस की मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक परचेस करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, एरिया रिक्वायरमेंट आपका कितना लगने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगने वाला है, और मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी है जो आपको बाकी के जो लोग कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं उनसे अलग करें और आप अपने बिजनेस को कम समय में अच्छे लेवल पे ले जा सकें। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन सी कैटेगरीज में आपको काम करना चाहिए, और साथ ही में काफी सारी प्रो टिप्स आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो सके। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहां पर किसी तरीके का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होता। बट हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपको फैब्रिक की क्वालिटी का पता होगा, आपको कपड़े की क्वालिटी का बहुत अच्छे से अंदाजा होगा, और आप कपड़े को हाथ में लेकर उसके प्राइस को बता देंगे, कहां से आपको स्टॉक खरीदना है, स्टॉक खरीदते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आपको इन सारी चीजों का नहीं अंदाजा है, तब भी आप अगर 2-3 बार मार्केट घूमते तब भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि जो मार्केट में लोग बैठे हैं ना, वो आपको काफी कुछ सिखा सकते हैं अगर आप उनसे डील करना जानते हैं तो। साथ ही में दोस्तों, कपड़े के बिजनेस को आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको लो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसको हाई इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 500 स्क्वायर फीट के एरिया से स्टार्ट करना ही चाहिए। इससे कम के में भी कपड़े की शॉप्स खुली होती हैं, बट आप कोशिश करिए कि आप मोर देन 500 स्क्वायर फीट के एरिया में खोलिए, ताकि आप इस बिजनेस को प्रॉपर वे में कर पाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। दोस्तों, हालांकि वीडियो के एंड में मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, और मैं उम्मीद करूंगा अगर आप एक कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखेंगे, बट फिर भी दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको बीच में डाल रहा हूं, ताकि अगर आप एंड तक ना भी जाएं वीडियो के तो ये बात जरूर जान लें अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा कपड़े की दुकानें आपको मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों 10 में से 8 ऐसी दुकानें होंगी जिनके पास ट्रायल रूम नहीं होता। छोटी सी जगह पे खोल देते हैं और ट्रायल रूम की फैसिलिटी वहां पर नहीं होती और कस्टमर वहां पर कपड़े को पहनकर नहीं देख पाते, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, कस्टमर कपड़े खरीदते टाइम सेटिस्फाई नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर घर पे जाकर अगर उन कपड़ों को ट्राई करता है तो भैया अगर वो फिटिंग प्रॉपर नहीं आती तो फिर वो वापस करने आता है। इससे भैया आपकी भी ट्रबल बढ़ती है और कस्टमर की भी ट्रबल बढ़ती है। और आप सब जानते हैं दोस्तों, आजकल वो समय नहीं है कि कोई कस्टमर लूज कपड़े पहन लेगा या ज्यादा टाइट पहन लेगा या एडजस्ट कर लेगा कि चलो आप खरीद लिया तो छोड़ो, नहीं, वो वापस करने आएगा और आपकी भी प्रॉब्लम बढ़ाएगा और अपनी भी, उसकी भी, उस कस्टमर की भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो उससे बेहतर है कि कोशिश करिए, अगर आपके पास छोटी से छोटी शॉप भी है तो थोड़ा सा स्पेस जरूर रखिए। और आपको भी पता है यार, ट्रायल रूम में कितनी जगह चाहिए होती है कपड़े को पहनकर देखने के लिए, बहुत छोटा सा स्पेस चाहिए होता है, तो कोशिश करिए आप ट्रायल रूम रखिए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कपड़े के बिजनेस में कि भैया 10 में से 8 दुकानों के पास अल्ट्रेशन की फैसिलिटी नहीं होती, कस्टमर को वो फिटिंग की फैसिलिटी नहीं देते। अगर मान लीजिए कस्टमर आपसे कोई जींस की पैंट खरीद रहा है और उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आ रही उसको, तो वो छोड़ देगा। बट अगर आप उसको ये ऑप्शन देते हैं कि भैया हम इस पैंट की फिटिंग करवा देंगे आपको, उसके 40 रुपीज लगेंगे, 50 रुपीज लगेंगे, जो भी आपके एरिया में लगता है, आप उतना चार्ज भले उससे ले लो बट उसको फिटिंग करा के दे दो। अब फिटिंग कराने के लिए अगर आप एक दर्जी रखते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ सकती है। अगर आप एक छोटे का, अगर आपका छोटा सा कपड़े का शॉप है
तो आपको दर्जी रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आसपास के मार्केट में जहां पर एक अच्छा दर्जी हो उसे टाई अप कर लो, उससे बात करो कि मेरी इस तरीके की दुकान है और मैं फिटिंग की फैसिलिटी देता हूं अपने कस्टमर्स को, तो आप अगर मेरे को सस्ते दरों पर कर देते हो मार्केट से तो मैं आपसे कर लूंगा, वरना मैं दो तीन दर्जियों से और पूछ कर आया हूं। तो जो भी आपके कस्टमर को कपड़े पसंद आते हैं और उसकी फिटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से अगर कस्टमर्स को छोड़ रहा है, तो आप उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि हम इसकी फिटिंग आपको करवा देंगे, और दर्जी से करवाकर आप उससे भले एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो, बट एटलीस्ट कस्टमर को एक फैसिलिटी मिल रही है, उसको मार्केट में जगह जगह नहीं घूमना पड़ेगा पेंट की फिटिंग करवाने के लिए, तो उसको सारी चीजें वहां पर सॉल्व हो जाएंगी। तो इससे भी कस्टमर की बाइंग बढ़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लगता है ना यार ये तो छोटी सी चीज है, तो जब आप ये बिजनेस में पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब आप ये बिजनेस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बहुत जरूरी चीज है, और मैंने ये बहुत ज्यादा डीप नॉलेज लिया भाई, आपको ये यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि ऐसी चीजें भी होती हैं भाई, ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना उन लोगों से ये ली हुई इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन दोनों पॉइंट पर आप जरूर से जरूर काम करिए। दोस्तों कपड़े के बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है हम गलत लोकेशन चुन लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रेंट को बचाने के लिए लोकेशन ऐसी जगह ले लेते हैं जहां पर कपड़ा बिकता ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपकी शॉप का रेंट ज्यादा होगा तो वहां पर आपकी सेल भी ज्यादा होगी, तो अगर आपकी सेल ज्यादा होगी तो आपका रेंट आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपका रेंट कम है 2-3 हजार में आपने शॉप ऐसी जगह पर ले ली है जहां पर कस्टमर ही नहीं है, तो आपको 2-3 हजार रुपए निकालना भी मुश्किल पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेन मार्केट में अपनी शॉप खोलिए ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों मेरे काफी सारे भाई ऐसे जिन्होंने अपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करते समय उन्होंने पैसे को बचाने के लिए ना तो इंटीरियर पे काम किया, फर्नीचर पे भी काम नहीं किया, लाइटनिंग पे काम नहीं किया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती होती है भैया हर बिजनेस की, क्योंकि भैया आपको मैं हर वीडियो में ये बोल चुका हूं, जो दिखता है वो बिकता है, और अगर आपकी शॉप का इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा तो भैया वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और कस्टमर आपकी शॉप पर एंटर नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा करो, और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनको जरूर से जरूर करिए। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको अपने एरिया के जितने भी कपड़े की दुकानें हैं वहां पर विजिट करना है, वहां पर जाकर उनको ऑब्जर्व करना है, उनके काउंटर किस तरीके से लगा है, लाइटनिंग किस तरीके की है, इंटीरियर किस तरीके का है, उन्होंने किस तरीके से कपड़ों को डिस्प्ले कर रखा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक खरीदते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक खरीदने में गलती कर देते हैं और कुछ टाइम बिजनेस चलने के बाद उनको मार्जिन नहीं निकल पाता, प्रॉफिट नहीं हो पाता, कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, फिर बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक खरीदते टाइम तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको स्टॉक किसी भी एक सप्लायर से नहीं खरीदना है, आपको मल्टीपल सप्लायर से स्टॉक खरीदना है। उसके बाद आपको देखना है कि किस सप्लायर का माल सबसे अच्छा था, किसके स्टॉक में आपको मार्जिन प्रॉपर मिला है, तो आप उस सप्लायर को फाइनल करो। और सिर्फ भैया स्टॉक ही नहीं, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज को भी चेक करना है कि कौन सा सप्लायर आफ्टर सेल सर्विस आपको सही फैसिलिटी दे रहा है, यानी कि अगर आप एक बार में फोन करते हैं उसका एक बार में फोन लग जाता है। अब ये आपको छोटी सी चीज लग रही होगी कि यार एक बार में फोन लगे ना लगे हम जाकर ले लेंगे, लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, जब आपको माल चाहिए और आप कंपनी को कॉल कर रहे हैं और आपका फोन नहीं उठ रहा, तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग चीज होती है। तो भैया आपको देखना है कि आप जिस सप्लायर से माल ले रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है। इसके अलावा दोस्तों सप्लायर को फाइनलाइज करने से पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि नियरेस्ट सप्लायर कौन सा है, क्योंकि जितना पास सप्लायर होगा उतनी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, उतना आपको कन्वीनियंट हो जाएगा उससे माल लेना। तो कोशिश ये करो कि जो भी सप्लायर आप फाइनल करो, पहली बात तो आप 4-5-6 जितने भी सप्लायर के पास विजिट कर रहे हैं वो आपके आसपास के एरिया के ही होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक खरीदते टाइम ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके गए और आपने दुकानदार को बोल दिया भैया मैं नया काम खोलने वाला हूं आप माल दे दो, तो उसके पास जो माल नहीं बिकने वाला होगा सारा भर देगा आपके में। आपको ट्रेंडिंग फैशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को बताना है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपनी शॉप का एरिया भी देखना है। अगर आपकी शॉप दोस्तों गांव में है तो आपको भैया इस चीज का ध्यान रखना होगा कि गांव में किस तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं और कितना ज्यादा वो खर्च कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोस्टली जो गांव में लोग होते हैं वो ब्रांड की तरफ नहीं जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको चाहिए सस्ता टिकाऊ और मजबूत। तीन बातें हमेशा ध्यान रखना कि गांव के लोग जो होते हैं उनको चाहिए होता है सस्ता टिकाऊ और मजबूत आइटम, क्योंकि उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो डबल से ट्रिपल वहां पर उनको खर्च करना पड़ेगा ब्रांड पे। लेकिन अगर दोस्तों आपकी शॉप सिटी में है तो वहां पर लोग ब्रांड की तरफ जाते हैं और क्वालिटी की तरफ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं लेकिन उनको ब्रांडेड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो फिर आप उसी तरीके का प्रोडक्ट रखो। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास ऐसी जगह पर शॉप है जहां पर गांव के लोग भी आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं, मतलब हर तरीके के कस्टमर है आपके पास, तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक की हर कैटेगरी रखो। इसके अलावा दोस्तों जब आप सप्लायर से माल लेते हैं तो प्राइस को कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लग रहा हो कि यार 100-200 रुपए का फर्क है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आपको ये जो फर्क है ये छोटा दिख रहा है क्योंकि अभी आपका बिजनेस छोटा है, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा और आप बल्क में माल खरीदेंगे ना, 100 किलो टी शर्ट, 200 किलो लोअर, इस तरीके से जब आप माल खरीदेंगे ना केजीज में, फिर आपको पता चलेगा कि ये प्राइस ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि प्राइस को कंपेयर करो, और अगर आपको लगता है कि किसी सप्लायर का माल अच्छा और इसका प्राइस ज्यादा है तो आप उसको बताओ कि भैया मेरे को इतने में माल मिल रहा है तो आप भी इतने में करो, तो आप उससे बार्गेन करके प्राइस को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने सप्लायर से ट्रांसपोर्ट की सारी बातें क्लियर कर लेनी है कि क्या वो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं भी कर रहा है तो आप उससे ये जरूर पूछ लीजिए कि जब मेरा माल खत्म होने वाला होगा तो क्या मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूं और आपको मैं फोन पे सारी कैटेगरी बता दूं तो क्या आप उसे ट्रांसपोर्ट में डलवा देंगे। तो बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्टाफ होता है, वो दिन भर यही करते हैं कि भैया पैकेज को पैक करते हैं, बॉक्सेस को पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट में माल को डलवा देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो भी है वो आपको ही पे करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट कन्वीनियंस हो जाती है थोड़ी सी कि आपको माल लेने के लिए बार बार नहीं जाना पड़ेगा। बट हाँ, फर्स्ट टाइम तो आपको अपने सप्लायर्स के पास जाना है दो तीन बार। मैं फर्स्ट टाइम ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप एक ही बार जाइए, एटलीस्ट दो तीन बार आप जाकर माल खरीदिए, सारी जब चीजें आप समझ जाएंगे फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फोन करके ऑर्डर दे सकते हैं और वो ट्रांसपोर्ट में माल डलवा देगा और आपके पास माल पहुंच जाएगा। तो आपको बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट की सारी बातें क्लियर कर लो और ये भी चेक कर लो कि ईजी वे क्या है ट्रांसपोर्ट का और सबसे चीप वे क्या है ट्रांसपोर्ट का। ऐसा नहीं कि भैया वो ट्रांसपोर्ट में डलवा रहा है और आपको ज्यादा खर्चा लग रहा है। तो अगर आपको भैया बल्क में माल मंगवाना है और आपको आपके पास ट्रेन की विजिबिलिटी बहुत प्रॉपर है तो आप ट्रेन में भी डलवा सकते हो माल को, ताकि जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा कम पड़े। तो वो आपको देखना है कि आपके लिए बेटर वे क्या है ट्रांसपोर्ट का। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं एरिया रिक्वायरमेंट की, तो भैया अगर आप एक कपड़े का बिजनेस अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ही प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास यार 500 स्क्वायर फीट की शॉप तो होनी चाहिए। इससे ज्यादा की ही हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा स्पेस होने पर आप मल्टीपल कैटेगरी के आर्टिकल्स में डील कर सकते हैं। आप किड्स वेयर भी रख सकते हैं, आप वुमेन वेयर्स भी रख सकते हैं, आप मैन वेयर भी रख सकते हैं। डिटेल में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, तो आप सबको पता है दोस्तों हर बिजनेस की थोड़ी सी अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, बट आपको अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जरूर अपनाना चाहिए। यह बहुत जरूरी होता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मार्केटिंग में खर्चा क्या करना, छोड़ो किसी काम का नहीं है, इससे अच्छा मैं स्टॉक ले लेता हूं। भाई स्टॉक लेना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ज्यादा मार्केटिंग करना भी है। स्टॉक लेकर करोगे क्या जब कस्टमर ही नहीं आएंगे? स्टॉक भी लो और कस्टमर भी लाओ, तो दोनों को एक पैरेलल वे में लेकर चलो। पटरी पे ट्रेन कभी भी सिंगल पटरी पे नहीं चल सकती, दोनों लाइन होना बहुत जरूरी है। तो भैया मार्केटिंग और स्टॉक दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। हर महीने आप स्टॉक पे जिस तरीके से खर्चा करते हो आप उसी तरीके से हर महीने थोड़ा सा अमाउंट मार्केटिंग पे भी खर्चा करो। अब ये नहीं कि आपने दो महीने मार्केटिंग करी उसके बाद आप भूल गए, एटलीस्ट आपको 6 से 7 महीने तो मार्केटिंग करनी ही करनी है। उसके बाद जैसे जैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो, आप जिस जिस एरिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपैंड करो तो आपको ऑनलाइन मेथड्स अपनाने चाहिए, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन आपको मेथड अपनाने चाहिए, अगर आप मल्टीपल सिटीज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो तो आपको उस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आजकल दोस्तों फोन का यूज इतना ज्यादा है कि आजकल लोग फोन से ही ऑर्डर कर देते हैं। और आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज देखे होंगे, आपने बहुत सारे फेसबुक पेज देखे होंगे जिन पर लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते रहते हैं, बिजनेस के अपने पर्सनल पेज हैं और ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर्स को वो रिसीव भी करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो ऑनलाइन डिलीवर भी करते हैं। तो अगर आप भैया अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी करते हो और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पे और वहां से भी ऑर्डर्स को रिसीव करिए। और दोस्तों मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ऑनलाइन अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव है अपने बिजनेस को लेकर तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक ऑनलाइन मार्केट से मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आपको डिस्काउंट देना है और अपने जो शॉप है उसके बाहर ही बड़ा सा पोस्टर लगा देना है कि 30% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, जो भी आप कर सकते हो जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। और स्टार्टिंग में बिजनेस के भैया मार्जिन के बारे में मत सोचो, स्टार्टिंग में आपका एक ही एम होना चाहिए कस्टमर ग्रोथ का। आप कस्टमर बढ़ाओ, जब कस्टमर बढ़ जाएंगे तो आप अपना मार्जिन अपने आप बढ़ा लो, फिर आपका मार्जिन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो भैया स्टार्टिंग में 6 महीने भाई कट टू कट भी अगर आप बेचते हो ना माल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट में जो ऑलरेडी शॉप्स चल रही है उनके कस्टमर को काटना पड़ेगा भाई। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी शॉप के पैम्पलेट्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे और अपनी सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, जिसमें कि आप बड़ा बड़ा लिखो 70% डिस्काउंट टिल इतनी तारीख। तारीख इसलिए डालो ताकि कस्टमर के अंदर ये क्रियोसिटी हो कि भैया इस महीने के इस मंथ एंड के पहले पहले इस शॉप पे विजिट करना है, तो वो सबके घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसके अलावा दोस्तों कपड़े के बिजनेस की एक सबसे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं, जो भी कस्टमर आपकी शॉप पे विजिट करते हैं एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर ले लो। अब कॉन्टेक्ट नंबर इसलिए लो ताकि आपकी शॉप में जो भी नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं आप उनको अपडेट कर सको, एटलीस्ट उनको मैसेज तो सेंड कर ही सकते हो आप उनको डिस्काउंट बताते रहो। और ये दोस्तों कस्टमर के साथ नेटवर्किंग बनाने का बहुत अच्छा मेथड है कि जो भी आपके शॉप में आ रहे हैं आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और पर्सनली उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनको अपनी शॉप की अपडेट देते रहिए ताकि वो लाइफ टाइम तक आपके साथ जुड़े रहे। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कैटेगरी के ऊपर। दोस्तों आप एक कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं और आप मल्टीपल कैटेगरीज में भी काम कर सकते हैं। दोस्तों काफी सारी शॉप आपने ऐसी देखी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ मैनवेयर में काम करती हैं, यानी कि वहां पर लड़कों का सारे क्लॉथ्स मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने काफी सारी ऐसी शॉप्स भी देखी होंगी जहां पर वो मल्टीपल कैटेगरीज में काम करते हैं, वहां पर आपको किड्स वेयर भी मिल जाएगा, मैन वेयर भी मिल जाएगा, गर्ल्स वेयर भी, वुमेन वेयर भी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में काम करना चाहते हो तो आपके पास जो आपकी शॉप का एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और आपके पास सेक्शन अलग अलग डिवाइड होने चाहिए। एक सेक्शन आपका किड्स वेयर का होना चाहिए, सामने वाला सेक्शन आपका मेंस वेयर का होना चाहिए और एक साइड में आपका वुमेन वेयर होना चाहिए या गर्ल्स वेयर होना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मल्टीपल वेयर में काम कर रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के पूरा सामान नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर मल्टीपल कैटेगरीज में काम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं बात करूं मेंस वेयर की, तो मेंस वेयर की सारी चीजें आपकी शॉप पर हो, कैजुअल वेयर भी हो, पार्टी वेयर भी हो, नॉर्मल वेयर भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि दोस्तों जो कस्टमर खरीदने आया आपके पास से कपड़े, हो सकता है उसको सॉक्स भी लेने हो सकता है उसको टाई भी लेने हो सकता है उसको बोटाई भी लेनी हो सकता है उसको भैया ग्लव्स भी लेने पड़े, हो सकता है उसको कैप भी लेनी पड़े। तो आप काफी सारी कपड़े की दुकान ऐसी होती है जहां पर कैप्स नहीं होती है, जहां पर भैया ग्लव्स नहीं होते हैं, जहां पर सॉक्स नहीं होते हैं, जहां पर टाई नहीं होती, बेल्ट नहीं होती। तो अगर आप ये सारी चीजें भी रखते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, साथ ही में आपके कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। और आजकल दोस्तों कस्टमर अलग अलग दुकानों में जाना प्रेफर नहीं करता है, अगर आपकी दुकान में उसको सारी चीजें मिल रही है तो वो अपने टाइम को बचाएगा और आपकी दुकान से सब कुछ खरीद लेगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना कि आपने आधा अधूरा माल रखा हुआ है, तो मल्टीपल कैटेगरीज में काम करने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप एक कैटेगरी में काम करिए, फिर आप मेंस वेयर रखिए और मेंस वेयर का सारा सामान रखिए। इसके अलावा दोस्तों मेरे काफी सारे भाई ऐसे हैं जो कपड़े की दुकान मॉल के आसपास खोल लेते हैं। मेरे खुद के एक दोस्त ने मॉल के पास में अपनी कपड़े की शॉप खोली थी और अनफॉर्चुनेटली उसकी शॉप नहीं चली और 6 महीने उसने घसीट घसीट के शॉप को चलाया, अपने खर्चे पे शॉप को चलाया और उसके बाद उसको शॉप को बंद करना पड़ा। दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपकी शॉप किसी मॉल के रास्ते में है, मॉल के आसपास है, तो वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल ना ह्यूमन टेंडेंसी ये बन चुकी है कि मॉल के अंदर बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो भैया आपकी शॉप पर वो नहीं रुकेंगे। हालांकि हो सकता है कि आप अपनी शॉप पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कस्टमर जब भाई मॉल के रास्ते में आ ही गया है, मॉल के पास में है, तो फिर वो मॉल में इंटर कर जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं मॉल से दूर खोली हुई है, तो आपकी लोकेलिटी के जितने भी लोग होंगे, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग मॉल, वो आपके पास आएंगे, आपकी शॉप में विजिट करेंगे, तो वहां पर जब आप डिस्काउंट देंगे, तो भैया हो सकता है कि आपके डिस्काउंट ऑफर्स उनको पसंद आए और वो फिर आपके पास से ही शॉपिंग करें। तो कोशिश ये करो कि आप मॉल से थोड़ा दूर खोलो। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ना हो कि आप जिस जगह पे खोल रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो। कोशिश करो थोड़ा सा मार्केट में ऐसी जगह पर खोलो जहां पर एक दो शॉप हो, एक दो शॉप होगा चलेगा, क्योंकि दोस्तों एक दो शॉप होने का फायदा भी होता है। हो सकता है कि आपके पास वो कस्टमर भी आ जाए तो पहले किसी और शॉप में जाते थे, ऐसी जगह मत खोलो जहां पर आप अकेले बैठे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप एक कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कपड़े का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जहां पर खराब हो जाए। ट्रेंड अगर चला जाता है तो आप उनको डिस्काउंट पे भी निकाल सकते हैं, अपने माल को कट टू कट भी बेचकर निकाल सकते हैं, मगर आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा यहां पर। अगर आप मार्केटिंग सही से करते हैं और आपके अंदर बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, तो आप इस बिजनेस को बहुत ही कम समय में अच्छे लेवल पे भी ले जा सकते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको 1% भी पसंद आई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me that you love me, even if it's fake.